चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने डायमेंशन स्टार्ट किए थे, आपके टेक्स्ट बुक में भी है ये डायमेंशन की डेफिनेशन। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द कॉन्सर्ट फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी उसकी। और कल मैंने बताया था आपको कि डायमेंशंस के लिए हम पाँच शायद से छः शायद से फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ करते हैं। जैसे पहले दैट इज़ लेंथ, लेंथ के लिए हम एल यूज़ करते हैं। फिर आता है मास, मास के लिए हम कैपिटल एम यूज़ करते हैं। फिर आता है टाइम, टाइम के लिए हम टी यूज़ करते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए हम सिम्बॉल यूज़ करते हैं कैपिटल के, करंट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल आई, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं सी। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी टोटल 7 हो रही है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम ओ एल, डायमेंशंस में यूज़ करते हैं हम ये सिंबल, बाकी कहीं पे नहीं। सिर्फ डायमेंशन के लिए हम लेंथ के लिए एल यूज़ करते हैं, मास के लिए एम यूज़ करते हैं, टाइम के लिए टी यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के लिए के, करंट के लिए आई, इंटेंसिटी के लिए सी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, तो देखो जहाँ पे मीटर आता है कोई भी, जहाँ पे हम लेंथ मेजर करते हैं, फिर वो लेंथ हो, बेस हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जिसका यूनिट मीटर है उसके लिए हम एल ही यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ लेंथ के लिए एल नहीं, जिसका यूनिट मीटर है उन सभी के लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, एल। बाकी तो ठीक है, बाकी एक ही टाइप में आता है, मास, मास में ही मास ही बोलते हैं, टाइम को टाइम ही बोलते हैं, टेम्परेचर को टेम्परेचर ही बोलते हैं हम, करंट को करंट ही बोलते हैं। लेकिन लेंथ जो है वो मीटर, ये जो कंसेप्ट है वो बहुत सारी क्वांटिटी के लिए आता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन बेस, हाइट, थिकनेस, विड्थ, ये सारी मीटर में मेजर होती है। और जहाँ पे मीटर कंसेप्ट आएगा वहाँ पे हम एल यूज करेंगे। तो मैंने वैसे कल स्टार्ट किया था आपका ये सारा। ठीक है, तो हम पहले डायमेंशन देखते हैं कैसे निकाला जाता है। वो कल थोड़ा सा वो 10 मिनट रिमेनिंग ऐसा उस पर पोस्टर आया था, तो आपको वीडियो में भी नहीं दिखेगा और मेरे इसमें भी नहीं दिखा होगा, तो इसलिए मैंने वो वीडियो में नहीं डाला था, वो कट किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं वो रिपीट कर रही हूँ। तो हम लेते हैं पहला एरिया, आपको पता है एरिया क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, या लेंथ स्क्वायर भी होता है, या बेस इनटू हाइट भी होता है। जैसे अगर ट्रायंगल का एरिया लेते हैं तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट भी होता है, लेकिन हम अगर कंसिडर करते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ है एरिया, तो यहाँ पे दो चीज़ आ रही है, लेंथ भी आ रही है और ब्रेथ भी आ रही है। लेंथ भी मीटर में मेज़र होती है और ब्रेथ भी मीटर में मेज़र होती है। तो लेंथ के लिए भी हम डायमेंशन एल ही लेंगे और ब्रेथ के लिए भी डायमेंशन हम एल ही लेंगे, यानी एल इंटू एल, एल क्या हो गया, दैट इज स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या आएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो रहा, दैट इज एल एम टी, ये तीन तो आएंगे ही आएंगे, जिसमें सिर्फ आपके पास लेंथ है एल टू, इसमें मास नहीं है, इस क्वांटिटी में मास नहीं है तो ज़ीरो, इस क्वांटिटी में टाइम नहीं है तो ज़ीरो। तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या हुआ, दैट इज एल टू एम ज़ीरो टी ज़ीरो। ठीक है, ये जैसे फर्स्ट हुआ। सेकंड, अगर मुझे बोला जाए कि वॉल्यूम का डायमेंशन निकालो, तो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसा होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर हम इसका यूनिट के फॉर्म में लेते हैं, डायमेंशन यूनिट के फॉर्म में भी निकाला जाता है। एरिया का आपको यूनिट पता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, तो एल टू, तो इसका डायमेंशन क्या हुआ, दैट इज एल टू एम ज़ीरो टी ज़ीरो। हम यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों मीटर में ही मेजर होती है, तो लेंथ के लिए भी डायमेंशन एल ही आएगा, ब्रेथ के लिए भी डायमेंशन एल ही आएगा, हाइट के लिए भी डायमेंशन एल ही आएगा, यानी एल का क्या हो गया, क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या हुआ, दैट इज एल थ्री एम ज़ीरो टी ज़ीरो। वैसे हम यहाँ पे अगर यूनिट पे से डायमेंशन इसका निकालना चाहें, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है एम क्यूब,
तो ये देखो डायरेक्ट ही निकल जाता है, एम क्यूब यानी एल क्यूब, तो डायमेंशन इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या हुआ, डायमेंशनल दैट इज एल थ्री एम जीरो टी जीरो, यानी हम फॉर्मूले से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं और यूनिट पे से भी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये डायमेंशनल इक्वेशन आपका, ये भी डायमेंशनल इक्वेशन, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है डायमेंशनल इक्वेशन करके। ठीक है, देखो और कुछ क्वांटिटी लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल और थर्ड दैट इज डेंसिटी, आपको पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होती है पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बता सकता है कोई, व्हाट इज डेंसिटी, हाँ मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट करेक्ट, मास यानी एम होता है, एम वन होता है, और वॉल्यूम का हम लेते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम का डायरेक्ट डायमेंशन है एल थ्री, तो हम इस पे यहाँ पे डायरेक्ट उठा सकते हैं दैट इज एल थ्री, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ दैट इज एल एम टी लिख लो पहले। ठीक है, अब देखो एल नीचे है डिनोमिनेटर में, एल थ्री है, ये ऊपर जब जाता है न्यूमेरेटर में तो ये माइनस थ्री बन जाता है, एम न्यूमेरेटर में है तो वन है तो वन ही है, इसमें टी नहीं है, टी नहीं है तो टी नहीं है तो टी कितना है तो जीरो है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना एल माइनस थ्री एम वन टी जीरो। ठीक है, और लेते हैं हम वेलोसिटी का ले लेते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ ही होती है, मीटर में ही मेजर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी काय में मेजर होता है, मीटर में ही मेजर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम सिंबल क्या यूज कर सकते हैं, एल यूज कर सकते हैं, और टाइम के लिए सिंबल क्या यूज होगा टी, तो ये एल वन टी वन, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना दैट इज एल एम टी, एल वन टी नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमेरेटर में लेके गए तो टी प्लस वन है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन, मास नहीं है इसमें तो मास क्या हो जाएगा, याचे फोटो टाकते बेटा मी, म्हणूनच मी पेज वर लिहिते आहे की तुम्हाला मग फोटो टाकायला बरं होईल याचे डायमेन्शन। ठीक आहे, पुढचं पहा, नेक्स्ट एक्झाम्पल घेते मी, तुम्ही सांगू शकता का बघा मला, ऍक्सिलरेशन घेते, ऍक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला काय आहे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सिलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैं इस देखो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन टाइम, लिखा तो कोई फर्क गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू ये वन अपॉन टाइम, यानी क्या हुआ फॉर्मूला, हाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं एल थ्री नहीं आता है, टाइम इंटू टाइम इज टाइम का स्क्वायर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट के लिए अब ये आ गई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ होती है तो लेंथ के लिए सिंबल क्या जाएगा एल, टाइम के लिए सिंबल क्या जाएगा टी, और इसका पावर टू है तो इसका भी पावर टू, इसका पावर क्या जाएगा वन, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा एल एम टी, एल वन एम नहीं है तो जीरो, टी टू है ऊपर जाके क्या हो जाता है माइनस टू, दैट इज एल वन एम जीरो टी माइनस टू, ये हुआ आपका एक्सिलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो अगर आपको एक्सिलरेशन का अगर यूनिट पता होता, एक्सिलरेशन का मुझे पता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है, तो देखो इस पे से डायरेक्ट डायमेंशन निकलता है, ये रफली आपको अगर नीट JEE में किसी क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा है और अगर उसका आपको यूनिट पता है तो आप डायरेक्ट उसका डायमेंशन निकाल के डायरेक्ट उसमें पुट डाउन कर सकते हो। मीटर यानी लेंथ होती है, मीटर यानी क्या होती है लेंथ, एंड सेकंड यानी क्या होता है टाइम, यानी टी टू हो गया एल वन हो गया, फिर से डायमेंशन देखो एल वन एम नहीं है तो जीरो, टी टू है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस टू,
ये डायमेंशन देखो और ये ये आ गए सेम, यानी हम यूनिट पे से भी निकाल सकते हैं और इस पे से भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं हम नेक्स्ट इज फोर्स लेके देखते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो एक्सीलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमें पहले इसको फंडामेंटल में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे, मास हो गया एक्सीलरेशन, यानी क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। फिर से ये मास एज इट इज, वेलोसिटी फिर से डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये बचा हुआ अपॉन वाला टाइम ये ऊपर जाके वन बाय टाइम होता है इसके जैसा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वन बाय टाइम, और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू वन बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू वन बाय टाइम। तो ये देखो इसके फॉर्मूले क्या बन रहे, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम, टाइम का क्या हो गया स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि ये सारी फंडामेंटल आ गई हमारे, जो हमने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली है इसके फॉर्म में आ गई, इसके फॉर्म में लेके आना है हमें किसी भी फॉर्मूले को। तो ये आ गया मास के लिए m, 1, डिस्प्लेसमेंट है तो l, 1, टाइम है तो t, इसका पावर 2 है तो 2, तो इसके डायमेंशंस क्या हो गए l, m, t। l कितना है न्यूमरेटर में ही है तो 1, एम बी न्यूमेरेटर में 1 है 1, टी डिनोमिनेटर में टी 2 है, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस 2, तो इसके डायमेंशन क्या हुए, दैट इज एल 1 एम 1 टी माइनस 2। हाँ अच्छे रजाउन ले था मामा ला फैन लो दे। एक तुम्ही काढून बघता देव करायला, एक करायला देव बघा, ट्राय करून बघा, मास इनटू वेलोसिटी करते आएगा। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, पी से डिनोट होता है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, करो इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा डायमेंशन। क्या हो गया इसको, वो बीच में क्या मालूम हैंग हो गया था शायद। हाँ तो ये L1 है, ये T2 है, 2 ऊपर जाके माइनस 2 हो जाता है, 1 माइनस 2 दैट इज L माइनस 1, यहाँ पे M1 है, यहाँ पे 1 N है, A1 है, बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है, 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 2, और ये T माइनस 2 ऊपर ही है तो ये लिख लिया हमने T माइनस 2, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हुआ L माइनस 1 M2 एंड T माइनस 2। एक मिनट कहीं तो भी गलत किया, एक मिनट ये जीरो चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी, L माइनस 1 M1 T माइनस 2 ऐसा जाएगा, मास नहीं होता है एक्सीलरेशन में, L1 T माइनस 2 ही होता है, मास जीरो होता है, ये 2 ऊपर जाके माइनस 2 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, ये 1 प्लस 0 1 हो गया, और ये t माइनस 2, तो इसका डायमेंशन कितना हुआ l माइनस 1 m 0 नहीं m 1 एंड t माइनस 2, ये इसका डायमेंशन आया क्या आपका इतना। आणखी कोणतं घेता, कायनेटिक एनर्जी बघा, काय आहे कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्मुला, तो इसका कॉन्स्टंट क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है। मास के लिए हम m1 ले सकते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है l1 m0 t माइनस 1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, लेकिन v का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये 2 इसको मल्टीप्लाई जाएगा, हम इंडेसिस के रूल फॉलो करते हैं यहाँ पे,
हमारा इंडाइसेस का पहला रूल है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन रहा तो ए टू द पावर एम प्लस एन, मल्टीप्लाई में रहा बेस सेम रहा तो पावर की एडिशन करते हम, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन रहा तो हम ए टू द पावर एम माइनस एन लेते हैं, ये इसमें जैसे लिया हमने बेस सेम है पावर की सब्ट्रैक्शन हो गई। और एक रूल है ए टू द पावर एम टू द पावर एन रहा तो हम ए टू द पावर एम इंटू एन लिखते हैं, ये उसके जैसा हुआ एल का पावर वन और उसका पावर टू तो वन इंटू टू, इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा पावर्स का तो वन इंटू टू टू, ये जीरो इंटू टू जीरो माइनस वन इंटू टू माइनस टू। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा एल एम टी, एल एक ही बार है तो टू, मास भी एक यहाँ पे है जीरो यहाँ पे मास वन है बेस सेम है पावर की एडिशन हो जाएगी वन प्लस जीरो दैट इज वन एंड टी माइनस टू। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना एल टू एम वन टी माइनस टू। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इन तीनों क्वांटिटी का यूनिट जूल है, इसलिए इन तीनों क्वांटिटी का डायमेंशन भी सेम आता है। आपने इसके पहले वर्क डन का डायमेंशन निकाला था, ये देखो आपका वर्क डन का डायमेंशन था, ये आपने कितना निकाला, फॉर्मूला भले ही डिफरेंट है लेकिन डायमेंशन देखो सेम आया एल टू एम वन टी माइनस टू। वर्क डन इसका यूनिट जूल है, काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जूल है और इसका भी डायमेंशन देखो उतना ही निकला एल टू एम वन टी माइनस टू, यहाँ पे भी देखो एल टू एम वन टी माइनस टू। अगर आप आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन निकालते हो तो वो भी उतना ही आएगा एल टू एम वन टी माइनस टू, क्योंकि इन तीनों क्वांटिटी का यूनिट सेम है, अगर यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का भी निकाल के देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मनीभाई गुजराती हाई स्कूल MGH। ठीक है, मास पता है आपको, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी तो m1 हो गया, g यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g यानी क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन हुआ और एक्सीलरेशन का डायमेंशन आपको पता है l1 m0 t माइनस टू, हमने इसके पहले निकाला है एक्सीलरेशन का डायमेंशन, ये एक्सीलरेशन का डायमेंशन एल वन एम जीरो टी माइनस टू मैंने वो डायरेक्ट डाला है। और हाइट यानी लेंथ होती है जो मीटर में मेजर होती है तो एल वन, अब देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है एल एम टी, ये वन है ये वन है एल का पावर वन प्लस वन कितना हो गया टू, ये मास है यहाँ पे मास है वन प्लस जीरो इज वन एंड टी एक ही बार है दैट इज माइनस टू, एक ही जगह पे है और कहीं पे नहीं है तो t माइनस टू। देखो एल टू एम वन टी माइनस टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एल टू एम वन टी माइनस टू एंड वर्क डन एल टू एम वन टी माइनस टू, तीनों का डायमेंशन कैसे मिलता है सेम मिलता है क्योंकि तीनों का यूनिट भी कैसा है सेम है। अब इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, जब मी डायमेंशन ही ना मास तर एम वन झाला, वेलॉसिटीचं डायमेन्शन आपल्याला माहिती आहे एल वन एम झिरो टी मायनस वन आपण काढलेलं आहे, वेलॉसिटीचं डायमेन्शन एल वन एम झिरो टी मायनस वन काढलं आहे आपण, तर ते मी डायरेक्ट टाकलं नाही तर मग तुम्ही याला फोडू शकता, वेलॉसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम त्याचं डायमेन्शन काढून घ्या मग आणि ते मग इथे लिहा, तसंही करू शकता पण मला माहिती आहे तर मी डायरेक्ट टाकलं नाही तर मग तुम्ही याला असं फोडू शकता वेलॉसिटीला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम लिहा मग त्याचा पॉवर टू लिहा, तसंही केलं तरी चालते म्हणजे असे पा मी तुम्हाला ते पण करून दाखवते इथे शॉर्टकटली, मास इंटू वेलॉसिटी स्क्वेअर येते ना कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो मास के लिए तो ठीक है मास, वेलॉसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं और वेलॉसिटी का स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर भी हो जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मास इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वेयर अपॉन टाइम का स्क्वेयर, यानी हम इस पे से मास के लिए एम वन डिस्प्लेसमेंट के लिए L2 और टाइम के लिए T2, तो डायमेंशन होगा L2 M1 T2 है ऊपर जाके कितना हो गया माइनस टू, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। मैंने यहाँ पे मुझे ये पता था तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया इसका डायमेंशन L1 M0 T-1, उसका पावर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर्स,
लेकिन हम स्क्वायर पावर में जब लेते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ए टू द पावर एम टू द पावर एन, ए टू द पावर एम इंटू एन, पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो एल का पावर वन का पावर टू, तो वन इंटू टू इज टू, जीरो इंटू टू इज जीरो, एंड माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला रूल लग रहा मल्टीप्लाई वाला, ये वाला मल्टीप्लाई का, तो वो ले रहे हम यहाँ पे। तो मास L2 एक ही बार है तो लिख दिया वैसे ही, मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, तो इसका बेस सेम है, तो इसके पावर की क्या हो जाएगी एडिशन, वन प्लस जीरो इज वन। L2 है एज इट इज लिया हमने, और T भी एक ही बार है माइनस टू, तो ये भी एक ही बार लिख लिया।